भाजपा ने प्रवक्ता नुपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया है। नुपुर ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित बयान दिया था, इसके बाद पार्टी ने उन पर कार्रवाई की है। भाजपा ने कहा कि हम सभी धर्मों और उनके पूज्यों का सम्मान करते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने एक लेटर जारी कर कहा, भाजपा सभी धर्मों का सम्मान करने वाली पार्टी है। भाजपा की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि आज़ादी के 75वें साल में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना लगातार मजबूत हो रही है। हमारी पहली प्राथमिकता अखंड भारत और विकास है, देश की एकता बनी रहे, इसलिए हम लगातार काम कर रहे हैं। पार्टी की ओर से जारी बयान में आगे कहा गया है कि भारत के हजारों वर्षों के इतिहास में प्रत्येक धर्म फला फूला है। भाजपा किसी भी धर्म के किसी भी धार्मिक व्यक्ति के अपमान की बड़ी निंदा करती है। पार्टी उस विचारधारा के सख्त खिलाफ है जो किसी भी संप्रदाय या धर्म का अपमान करती है। बीजेपी ऐसी किसी विचारधारा का प्रचार नहीं करती। बता दें, एक न्यूज डिबेट में भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब पर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसका मुस्लिम समुदाय लगातार विरोध कर रहे हैं। पिछले दिनों शर्मा ने बयान जारी कर कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। शर्मा पर महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मृदुभाषी न्यूज। वीडियो को लाइक और शेयर करें। क्राइम भाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।